Another long hair cut. ओए होए, तो आज ऐसे लग रहा है कि जैसे जो है वो कोई लॉन्ग हेयर्स का दिन हो। वैसे जो है वो मैं तो चाहता हूँ कि वैसे हेयर कट का एक दिन जो है वो लाजमी होना चाहिए, और आप लोग भी अगर इस चीज़ से इतफाक करते हैं तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। लेकिन इसमें एक चीज़ है, देखिए लॉन्ग हेयर कट का दिन इस वजह से होना चाहिए कि उस दिन लोग चैरिटी के तौर पर अपने जो है वो हेयर्स को डोनेट करें, डोनेशंस के तौर पर, ताकि उससे दूसरे लोगों की जो है ना वो हेल्प हो सके। इस वजह से मैं जो है वो चाहता हूँ कि ये हमारा हेयर कट का एक दिन हो जाना चाहिए, जिसमें लोगों के लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स, जो लोग अपने आके डोनेट करना चाहते हैं वो लोग आके जो है अपने हेयर्स को डोनेट करें, और फिर उन लोगों को रिव्यू भी उन लोगों का दिखाना चाहिए जिन लोगों को वो जो है वो लॉन्ग हेयर्स जो है वो मिलते हैं और वो लोग यूज़ करते हैं विक के तौर पर। कुछ कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिन्हें जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें जो है वो लॉन्ग हेयर्स वो डोनेट किए जाते हैं। तो इस वजह से एक डे जो है वो होना चाहिए, जैसे कि मुख्तलिफ डेज जो हम लोग जो है वो त्यौहार इवेंट्स वगैरह बनाते हैं, इसी तरह एक ये भी जो है वो हेयर डोनेशन डे होना चाहिए। मुझे सही पता नहीं है कि ये है तो वो भी, लेकिन मेरे ख्याल में मुश्किल है। और जब भी ज़्यादातर जो है वो लॉन्ग हेयर्स को डोनेट किया जाता है, तो सबसे पहले उसको दो कैटेगरीज में जो है वो कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है। एक इस साइड पे दो चुटकियाँ जो है वो बनाई जाती हैं, फिर उसको सीजर के साथ जो है वो कट कर दिया जाता है। लेकिन इनकी एक साइड तो कंप्लीट है, लेकिन एक साइड अभी अच्छा, एक चीज़ मैंने और जो है वो नोट की है वो ये है कि जब आप सीजर से कट करते हैं तो आपकी लेंथ जो है वो प्रॉपर पूरी जो लेंथ होती है वो आप उसे नहीं ले सकते, लेकिन जब एक तरफ से पकड़ के आप और मशीन से जो है वो उसको कट कर लेती हैं तो उसकी प्रॉपर जो पूरी लेंथ होती है वो जो है आपके पास आ जाती है। और उसके बाद जो है उन्होंने ब्लेड के साथ जो है अभी अपना प्रॉपर स्मूथ हेड शेव जो है वो करवाई है। तो होपफुली कि आप लोगों को लॉन्ग हेयर कट जो है वो पसंद आया होगा और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय इसको किया होगा। थैंक यू।